आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिन में तीसरी बार बिहार पहुंचे हैं और यहां उन्होंने गया में एक विशाल जनसभा को आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर तो निशाना साधा ही, साथ ही प्रधानमंत्री ने आरजेडी को बिहार में जंगल राज का चेहरा बताया और कहा कि विपक्ष को भगवान राम से भी दिक्कत है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। गमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। मोदी का गारंटी कार्ड अपडेट हो गया है। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष समेत अन्य नेता भी चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाते दिख रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसभा की, तो वहीं जेपी नड्डा ने तमिलनाडु में रोड शो और चुनावी जनसभा की। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे और धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तमिल काशी संगम हुआ कि नहीं हुआ? भारत को जोड़ने का काम तिरुवल्लुवर की बातचीत मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर की कि नहीं की? तमिल भाषा को दुनिया के नक्शे पर रखा कि नहीं रखा? मित्रों, तो ये आपने देखा, गृहमंत्री अमित शाह लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और उधर जेपी नड्डा ने भी चुनावी प्रचार किया। Zee News.